बजट है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में फिर से कंटेनमेंट जोन बनाने की हुई शुरुआत। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप के पास नाले से बरामद किया गया एक युवक का शव। जमशेदपुर के कोरोना कोहराम ने 200 लोगों को लिया अपने कब्जे में। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के बागबेड़ा में कंटेनमेंट जोन बनाया गया। बागबेड़ा के 15 दुकान और मकान को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। इस इलाके में कोरोना मरीज पाए गए हैं। वैसे जिला प्रशासन ने साफ शब्दों में कह दिया है, जिस इलाके में कोरोना के मरीज पाए जाएंगे पूरे इलाके को सील कर दिया जाएगा। उधर कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया जाएगा और लोगों को हिदायत भी दी गई कि आप घर से बाहर ना निकले। आपको याद दिला दें कि लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसको लेकर जिला प्रशासन ने वैसे इलाके को सील करना शुरू कर दिया है जहाँ पर कोरोना के मरीज हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाँच की जा रही है। संक्रमण को देखते हुए जितने भी कोविड पॉजिटिव निकल रहे हैं उन सबको घर घर में जा कर के सील किया जा रहा है, ताकि उनको हिदायत दी जा रही है कि आप अपने घर में ही रहें, बाहर ना निकलें। क्या है कि बाहर निकलने से संक्रमण फैलने की और ज़्यादा मात्रा में संभावना है। तो कितने ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपके द्वारा सील किया जा रहा है? बागबेड़ा क्षेत्र पूरी घनी आबादी वाली क्षेत्र है, परकोटी या घनी आबादी वाला क्षेत्र है, इस सब इलाकों में घूम घूम करके एक तो दुकान भी हम लोग सील कर रहे हैं। अब तक कितने घर दुकानों को सील किया जा चुका है? अब तक 10-15 दुकानों को सील किया जा चुका है जिसमें घर भी शामिल हैं। क्या लग रहा है सर कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है ऐसे में लोग सहयोग कर रहे हैं कि नहीं प्रशासन का? प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं लेकिन उनको भी हम लोग चेतावनी दे रहे हैं, सतर्क रहें, कम से कम मास्क को जरूर पहन करके निकले। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के मेन रोड पेट्रोल पंप के पास नाले में डूबा अज्ञात युवक का शव मिला। युवक के शव को देख पूरे इलाके में सनसनी मच गई। सूचना मिलते ही मानगो पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने नाले में से अज्ञात युवक का शव निकालकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस युवक की पहचान करने में जुटी है। हत्या या घटना दोनों एंगल से मानगो पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यहाँ देखिए, मानगो पेट्रोल पंप के सामने में एक बॉडी नली में पड़ा हुआ था, समझे ना। तेल लेने आया तो देखे भीड़ भाड़ लगा हुआ था, तो हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी है और पुलिस प्रशासन ने पूरा यहाँ आए हैं और सबसे यहाँ इंक्वायरी चल रही है। कौन है मालूम चल रहा है? नहीं, ऐसे देखने से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बॉडी उनका सर जो है पानी के अंदर डूबा हुआ है, अभी तक अज्ञात है। अज्ञात है जी। हाँ है, ये पूरा मामला अच्छा। अभी क्या किया जा रहा है? सौ को कब्जे में लगा। अच्छा, पोस्टमार्टम में लगा। जमशेदपुर में कोरोना ने कोहराम मचा दिया है। उधर मरीजों की संख्या 200 हो चुकी है। जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है लगातार कोरोना की जांच में तेजी ला दी गई है। जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र में बिना मास्क के बाजार में घूमने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। उधर 10 लोगों में से 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए। ऐसे शहर के सभी इलाकों में चौक चौराहों या बाजारों में जांच अभियान चल रही है। वहीं जिला प्रशासन ने लोगों को सख्त निर्देश भी दिया है कि बिना मास्क के पकड़ाए जाने पर कोविड-19 एक्ट के तहत FIR दर्ज किया जाएगा। फिलहाल कोरोना की बढ़ रही संख्या को देखते हुए प्रशासन काफी चिंतित। अभियान एक्चुअली कोविड-19 को देखते हुए किया जा रहा है, उसके जो संक्रमण जो बढ़ रहे हैं उसी के लिए जो दूसरा क्षेत्र में सारे कैंप लगे हुए हैं। अभी यहाँ पे स्पेशली उन लोगों को हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं और उनको पकड़ के हम लोग यहाँ पे जांच करवा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्वेच्छा से आ रहे हैं और अपना जाँच करवा रहे हैं। और हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ, अपना जाँच करवाएँ और सुरक्षित रहें और मास्क को रेगुलर यूज़ करें। आपका शुभ नाम? लोकेश कुमार सिंह, सिटी मैनेजर, जुगसलाई नगर परिषद। प्रत्येक दिन 100 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों के पाए जाने से पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन सहित राज्य सरकार सकते में है, जिसको लेकर राज्य सरकार ने पिछले दिनों नई गाइडलाइन जारी की। रात 8 बजे के बाद बंद करने का निर्णय लिया। इसके तहत प्रथम दिन प्रशासनिक टीम रात 8 बजे के बाद शहर का निरीक्षण करने निकले। इस दौरान कुछ दुकानें खुली रहने पर उन्होंने चेतावनी देकर बंद कराया और गाइडलाइन के तहत सोशल डिस्टेंस पालन करने की नसीहत दी। दूसरे दिन सुबह जब JNAC की टीम क्षेत्र का जायजा लेने निकली तो पाया कि कल चेतावनी दिए गए दोनों दुकानों में सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है, जिसके बाद JNAC ने दोनों दुकानों को 72 घंटों के लिए सील कर दिया और एक बार फिर से नसीहत देते हुए चेतावनी दी कि इसके बावजूद भी अगर गाइडलाइन का पालन नहीं होता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सामने
जो दो दुकान हैं उन दुकानों को आज सील किया गया है, क्योंकि कल 8 तारीख थी और पर्सनली जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी से लेकर के कनीय पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी खुद उस दुकान में जा कर के उनको समझाए थे और उनको हिदायत भी दिया गया था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग और 5 व्यक्तियों से अधिक लोगों की भीड़ नहीं लगाएंगे और किसी भी चीज़ को जो पी के बाहर फेंक दे रहे हैं उस तरह की चीज़ों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। लेकिन आज फिर पाया गया कि वहां पर 5 व्यक्तियों से अधिक लोग खड़े थे और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के दुकानदार अपने लालच में लोगों को प्रोडक्ट बेच रहे थे, जिसके कारण कोरोना फैलने की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती थी। इसको लेकर के हम लोग आज इसको सील किए हैं और उसको 72 घंटे तक सील रखेंगे और इनकी आदत में अगर आगे भी सुधार नहीं होगी तो इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इक्वली मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से सभी व्यापारियों, सभी शॉपकीपरों को एक अनुरोध करना चाहता हूं कि लोग जो है सरकार के गाइडलाइन का अच्छा पालन करें, लोग अपने आप को बचाएं, दूसरों को भी बचाएं, ताकि हम जमशेदपुर को सुरक्षित में रख सकें और कोरोना का जो खतरनाक स्ट्रीम आया है उससे हम लोग इसको बचा सकें। जमशेदपुर में स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर पप्पू सरदार एवं जमशेदपुर अक्षेत्र के संयुक्त तत्वाधान में साक्षी सहित चौक के पास विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां लोगों को मास्क पहनने को लेकर जागरूक किया गया, साथ ही निःशुल्क मास्क का वितरण भी किया गया। कोरोना के शुरुआती दौर से ही लगातार पप्पू सरदार द्वारा कई जनहित कार्य किए गए। इसके बाद कोरोना के दूसरे लहर और लोगों के लापरवाही को देखते हुए जमशेदपुर अक्षेत्र के संयुक्त तत्वाधान में इनके द्वारा शहीद चौक के पास बाजार आने वाले लोगों को जागरूक किया गया, साथ ही सभी से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की गई। वहीं इनके द्वारा बिना मास्क बाहर निकले लोगों के बीच निःशुल्क मास्क का वितरण भी किया गया। मास्क लगाना है, अपने स्वर्ग को बचाना है। स्वर्ग मीन्स मतलब मैं ये लोगों को जताना चाहता हूँ कि आपका जो परिवार है वो एक स्वर्ग की तरह है। अपने स्वर्ग को बचाने के लिए मार्केट आते हैं, मास्क लगाएं, सब कुछ करें, क्योंकि घर परिवार जो होता है वो एक स्वर्ग की तरह होता है। मास्क का दूसरा पार्ट है कि जिंदगी जो है वो मासी है, ये ना लोग भूले कि हमने मास्क नहीं लगाया था, अरे कोई परवाह नहीं, कोई बात नहीं, सब चलेगा, तो वैसा नहीं है। मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अभी जिस तरीके से आज कोरोना का दूसरा पार्ट शुरू हुआ है, इसका गुनहगार कौन है? हम और आप। हम लोगों ने मास्क नहीं लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, अपने अपने काम धाम में इतना व्यस्त हो गए, हम लोग के दिमाग से एक साल हुआ नहीं और हम लोग के दिमाग से एक चीज़ भूल गया कि कभी कोरोना ने हमें 4 महीने तक लॉकडाउन में रखा था। इस चीज़ को हम लोग भूल गए, बुरी तरह से, खाली क्योंकि अपने काम में लग गए, अपने परिवार में लग गए, सब भूल गए, सब कुछ भूल गए हम लोग। देखिए कोरोना को फिर जगह मिल गई दोबारा, क्यों मिली? इसका गुनहगार कौन है? हम ही लोग। कभी हम लोग कहा करते थे कि इंडिया जीतेगा, कोरोना हारेगा। अब हम लोग इस चीज़ से खुद परेशान है कि कोरोना पार्ट 2 ने हम लोगों को दोबारा घेर लिया। अब भी लोगों को चाहिए जागरूक हो जाए, मास्क लगाएं और इस चीज़ का पालन करें कि मार्केट आए हैं, कहीं आए हैं, मास्क लगाएं। कोरोना से डरें, डर है कोरोना से, मगर भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से, इसलिए भीड़ भाड़ वाली जगह में जाना नहीं है, आपको डरना है कोरोना से। कि हम लोगों को कोरोना से डर है, भीड़ भाड़ है, तो नहीं जाना, बच्चे को गोदी में लेके वहाँ नहीं जाना, अपने भी नहीं जाना, चाहे वो किसी का रेस्टोरेंट हो, चाहे वो किसी की दुकान, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा, प्लीज़ कृपया मास्क लगाएं, अपने परिवार के लिए, अपने स्वर्ग के लिए, अपने दोस्तों के लिए मास्क लगाएं, ताकि आप खुश रहे वो परिवार। कोरोना जो है का स्ट्रेन, नया स्ट्रेन आ गया है, इसको लेकर के आप देखेंगे कि सरकार द्वारा जो आंशिक मतलब बंदी की गई है शाम को 8 बजे से 6 बजे लेकर के, उसको भी कल हम लोग अनुपालन करवाए हैं। और दोपहर में अगर किन्हीं को या सुबह में किन्हीं को घर से निकलना है तो बिना मास्क के घर से नहीं निकलना है, तो मास्क बहुत ही ज़रूरी है कोरोना से बचाव के लिए। इसी को लेकर के आज हम लोग जो है बसंत सिनेमा टॉकीज के पास हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर पप्पू जी हैं उनके तत्वाधान पे ये आयोजन करके हम लोग आज सभी लोगों को अवेयर कर रहे हैं और मुफ्त में मास्क का भी वितरण कर रहे हैं, ताकि लोग जो है मास्क का आदत डालें और जो कोरोना जो खतरनाक स्ट्रेन पे अभी आ चुका है उससे जो है हम लोग बच सके। क्योंकि बिना मास्क आप नहीं बच सकते हैं, मास्क अगर आप पहनते हैं
तो निश्चित रूप से कोरोना से बच सकते हैं। इसके अलावा 6 फीट की आपको सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना है, आपको सैनिटाइज यूज करना है और बिना आवश्यक काम के घर से बाहर नहीं निकलना है। जो भी गाइडलाइन सरकार की आई है उसको अक्षरशः पालन करना है। लोग जो है देखते हैं हम लोग की मार्केट में बिना मास्क के आ रहे हैं और इस जन जागरूकता को फैलाने के लिए आज हम लोग जो है पूरा यहाँ पे जेनेसी की टीम मिस्टर पप्पू जी के द्वारा जो अवेयरनेस फैला जा रहा है ये बहुत बड़ी बात है। और आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकले, आवश्यक काम ही अगर पड़े तो घर बाहर निकले और वो भी मास्क पहन के ही निकले, क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए हम सभी का दायित्व सराहनीय होगी और इसके बिना जो है हम लोग एक एक आदमी का अगर प्रयास नहीं होगा तो कोरोना से हम लोग बच नहीं सकेंगे। तो राज्य सरकार के नए कोरोना गाइडलाइन के तहत पहले दिन शहर की दुकानें स्वतः ही बंद हो गई, जिसको लेकर प्रशासनिक टीम शहर के विभिन्न क्षेत्रों के बाजारों में जाकर स्थिति का जायजा लिया। गाइडलाइन आई है उसके तहत 8 अप्रैल से सभी दुकानों को संध्या 8 बजे से बंद करना है। उसको लेकर के सभी मार्केट प्लेसों में मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है और आज हम लोग जो है थाना प्रभारी हैं, हमारे सिटी मैनेजर है और यहाँ साक्षी बाजार में खुद हम लोग आए हैं और सभी लोगों को एक दो दिन पहले से अनाउंसमेंट करके राज्य सरकार की गाइडलाइन को बता दिया गया है। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि दुकानदार खुद अपने से दुकान 8 बजे बंद कर दिए हैं। लगातार आज हम लोग मीटिंग किए हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट से हो, चाहे वो होटल से हो, चाहे वह क्लब से हो, चाहे किसी तरह का बैंक्वेट हॉल हो, सभी को ये निर्देश दे दिया गया है कि जो सरकार का गाइडलाइन है उसको अच्छा सा पालन किया जाए ताकि जमशेदपुर को हम लोग जो कोविड से बचा सके। आप देखेंगे कि कोविड किस तरह से फिर दोबारा जो है नए स्ट्रेन के साथ हम लोग के आम जिंदगी में तेज़ी से फैल रहा है, लोगों को ग्रसित कर रहा है, संक्रमित कर रहा है, जिससे आमजनों की खतरा बढ़ गई है। इसको लेकर के सभी सिटीजन को अवेयर होना है, चाहे वह दुकानदार हो, चाहे सिटीजन हो, चाहे किसी प्रकार का जो मानव जाति हो जो खतरा उत्पन्न हुआ है, सबको अवेयर होने की आशा कवायद करनी होगी, कोशिश करनी होगी। और इसको लेकर के हम लोग जो है यहाँ पे आ जाए हैं और सभी दुकानदारों को हम लोग अपील करते हुए हम लोग इसको बंद करा रहे हैं और बंद कराने का अभी तक तो नौबत नहीं पड़ी है, लेकिन दुकानदार खुद अपने से बंद कर चुके हैं। तो मैं आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो कोविड का खतरनाक दौर आया है उसको लेकर के सभी जनता सजग हो जाए और बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकले और अगर निकलते हैं बहुत आवश्यक काम है तो निकले और निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का यानी 6 फीट का दूरी का अनुपालन ज़रूर करें। साथ में जितने भी प्रकार के गाइडलाइन आए हैं सरकार का उसका अनुपालन अवश्य रूप से। बहुत राज्यों में जो है नाइट कर्फ्यू लग गया है ये, लेकिन लोगों को यहाँ पे बैन ये भी है कि नाइट कर्फ्यू, ऐसी कोई बातें ये नहीं, हमारे राज्य सरकार के द्वारा भी नाइट कर्फ्यू की बात नहीं कही गई है, ओनली दुकानों को बंद करने की बात कही गई है और बाद में ये सरकार के स्तर की चीज़ें हैं जो निर्णय लिया जाएगा उसका जिला प्रशासन द्वारा। चलते हैं छोटी सी ब्रेक की ओर, आप बने रहिए ब्रेक न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद ब्रेक न्यूज में आपका पुनः स्वागत है। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले में नए राशन कार्ड 84,000 अब तक बनाए जा चुके हैं, 104,000 का लक्ष्य था, यह जानकारी विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी ने दी। विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी नवीन कुमार ने कहा कि 4 महीने में काफी तेजी से काम हुई है,
राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाला विशेष राशन कार्ड योजना के तहत जो प्राप्त आवेदन आया था जो सही था उसे बना दिया गया है। कुल 84,000 राशन कार्ड बना दी गई है। डाटा एंट्री के क्रम में हम लोगों ने आधार एंट्री काफ़ी तेज़ी से कराया, पूरे राज्य में 57% पर है और पूर्वी सिंहभूम जिला का स्थान नंबर 1 पर है। एक साल में 12,000 राशन कार्ड सिलेंडर हुआ है। 104,000 नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य था, जिसमें 84,000 नए राशन कार्ड हम लोगों ने बनाए हैं। हर ज़रूरतमंदों के राशन कार्ड बनाया जाएगा और विभाग काफ़ी गंभीर है। जिले में कार्ड की क्या स्थिति, कितने कार्ड नए बने हैं? गत 3-4 महीनों में विभाग में काफ़ी तेज़ी से काम कराया गया है। राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला विशेष राशन कार्ड योजना, हरा राशन कार्ड जिसे कहते हैं, उसके तहत प्राप्त सभी आवेदन जो सुयोग्य पाए गए उन सभी का राशन कार्ड बना दिया गया। ऐसे लोगों की संख्या 84,000 है। डाटा एंट्री के क्रम में लोगों ने आधार एंट्री काफ़ी तेज़ी से कराया, तो आज हमारा आधार लगभग 97% पे है। पूरे राज्य में पूर्वी सिंहभूम का स्थान नंबर 1 पे है। यदि सर कार्ड आपसी का यदि बात किया जाए तो कितना कार्ड अब तक आपसी हुआ है बीच में? जहाँ तक मुझे अपने पीरियड का याद है पूरे पूरे साल में, तो मैंने पाया कि लगभग 10-12,000 कार्ड सरेंडर हुए। नए कार्ड सर कितना बनाया गया? नए नए कार्ड में 84,000 लोगों को जोड़ा गया है। अच्छा, सभी लाभ कार्ड बनाया गया है? सभी को पहले ग्रीन कार्ड बनाया गया, फिर वैकेंसी के हिसाब से सबको हम लोगों ने लाल कार्ड भी गुलाबी कार्ड बना दिया। कितना टारगेट है सर? जिले के टारगेट, कुल टारगेट 1,04,000 सदस्यों को जोड़ने का था। हम लोगों ने 84,000 जोड़ लिया है। जैसे जैसे सुपात्र लाभुक मिलते जा रहे हैं, हम लोग उसमें उनको जोड़ते जाते हैं। अब कोई भी व्यक्ति बिना राशन का नहीं रहेगा, सुयोग व्यक्ति को राशन निश्चित तौर पर मिलेगा। एक प्राथमिकता के आधार पर हमारे पास वैकेंसी भी है, हम लोग इस पर तेजी से काम भी कर रहे हैं। पूरा विभाग बहुत ही इस मामले में गंभीर है और लगातार काम हो रहा है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी। उधर इसके 2 दिन पहले कोरोना वैक्सीन खत्म हो चुकी थी, लेकिन राज्य सरकार ने 14,000 वैक्सीन का पहला खेप जिला को भेज दिया। वहीं दूसरा खेप 85,000 वैक्सीन जिला को मिल रही है। वैसे 2 रोज पहले वैक्सीन की किल्लत थी, वह खत्म हो गई है। सभी सेंटरों पर वैक्सीन पहुंच रहा है और 45 साल से ऊपर वाले लोगों को टीका दिया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि टीका जरूर लें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क जरूर लगाएं। टीकाकरण केंद्र जो है वहाँ लोग काफ़ी परेशान नजर आए टीका नहीं मिलने से, तो ऐसे में सर आपके द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि टीकाकरण का जो कार्य है वो सुचारू रूप से चले विभिन्न टीकाकरण केंद्रों में? 45 से 59 साल के उनके जो लोगों को टीका देना था, उसमें जो बीमारी का सर्टिफिकेट हटा दिया गया, इसके कारण सभी जगहों पर पूरे राज्य में केंद्रों पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसलिए एक उन्हें जो वैक्सीन का शॉर्टेज हो गया, अभी वैसा अब नहीं है। हम लोगों को वैक्सीन भी आ गया है 14,000 के करीब, और आज राज्य से 85,000 कोविशील्ड वैक्सीन आ रहा है। कल से सुचारू रूप से सभी केंद्रों पर वैक्सीन चल रही है। सर बढ़ते संक्रमण को देखते हुए क्या कुछ आप शहरवासियों से, ज़िलेवासियों से अपील करेंगे? शहरवासियों से और ज़िले के निवासियों से हम शुरू से ही अपील करते आ रहे हैं। सभी तरह के माध्यमों से उन लोगों को कहा जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, हाथ को समय समय पर साफ करें और दूरी बनाए रखें। अभी के स्ट्रेन में ये बहुत तेज़ी में फैल रहा है और हम लोगों के ज़िले में इसकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो हम लोगों को सतर्क रहना होगा। अगर हम लोग सतर्क नहीं रहेंगे तो ये हम लोगों को बहुत परेशान करेगा। इसलिए मैं सभी जिलावासियों से आग्रह करता हूँ कि सरकार का जो गाइडलाइन है उसको ज़रूर पालन करें ताकि हम लोग कोरोना से बच सकें। जमशेदपुर के बैंक ऑफ इंडिया हल्दी पोखर एवं हाता ब्रांच में छोटे छोटे छात्र छात्राओं की लंबी लंबी कतारें एवं भीड़ को देखने से लगता है कि जिला प्रशासन चाहे लाख पहल कर ले, मगर बैंकों की भीड़ को देखने से लगता है कि बैंक के खाता धारक मानने वाले ही नहीं है।
एक और जहां पोटका अंचलाधिकारी इम्तियाज अहमद द्वारा माइक लेकर अलाउंस कर रहे हैं कि शारीरिक दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, वहीं दूसरी ओर बैंक में कई छात्र छात्राएं एवं ग्राहक मास्क का पालन भी नहीं कर रहे हैं, शारीरिक दूरी का भी पालन नहीं कर पा रहे हैं। मामलों पर बैंकों को भी चाहिए कि बैंक में ग्राहकों को अपनी ओर से जागरूक करने की आवश्यकता है। सरायकेला जिला के चौका थाना क्षेत्र के लैंडी गांव में लोथरू सोरेन नामक एक 40 वर्षीय व्यक्ति की कुआं में डूबने से मौत हो गई, जिसका सरायकेला सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। वहीं सदर अस्पताल पहुंचे मृतक के बड़े भाई बाड्डू सोरेन ने बताया कि लोथरू घर से बुधवार रात करीब 10 बजे निकला था, जो रात भर घर नहीं आया तो घर वाले सोचे कि कहीं गया होगा, लेकिन सुबह जब घर के लोग पानी लाने गए तो देखा लोथरू कुएं के अंदर पानी में तैर रहा है, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको अपने कब्जे में करते हुए पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया। घटना कैसे हुआ अब तक इसका पता नहीं चल पाया है, पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम होने के बाद शव को उसके परिजनों को सौंप दिया, परिजनों ने शव को अपने साथ ले गए और उसका अंतिम संस्कार किया। मृतक के भाई ने बताया कि लोथरू का 15 दिन आगे ही शादी हुआ था। कौन कर रहा है जले राज में ओटा वो जले डूबे मरे गेलो जले माने कथा डूबे कुआं की कर रहे डूबे अरे बाबा की कर रहे कोनो दोष नहीं करे ससुर घर जाएं छिले तापर ওটা আমরা ঘরে ঘুমাই ছিল বা পলক লোক আছে আচ্ছা কোয় সামাইলো কি করি ওইটাই তো আর মোবাইলটা ছিল কতক্ষণ জানতে পড়লো কতক্ষণ জানতে ওটা ওটা জানি যাই নাই আমরা এটি পড়িছে বলে এটি জানি যাই নাই নাই কতক্ষণ তোমরা জানি পড়লে কি এখন সকালে সকালে জানলে এখন 5টার সময় লগভগ কি আনে কি তোমার আন্দাজ লাগছে কি রাতে ইয়া হয়েছে কখন ইয়া হয়েছিল রাতে মানলো আমরা 9টা 10টা ছাড়া ঘুমাই নাই তো ওখানে ওরা রাতে জাগায় ছিল তারপরে কে কোথায় যাইছিল নাই যাইছিল তারপরে আসি আর সকালে উঠে দেখছি যে গাড়িটাও আছে আর মোবাইলটাও আছে সব ছাড়ি রাখেছে খালি ওর ড্রেসটা আছে পায়নি আর বলছি ইয়া কোথায় গেল লোকটা এখন নাই আসছে কোথাও গেল আচ্ছা ঠিক আছে কোথায় যাই থাকবে তারপরে কি হলো জল আনতে যখন যাচ্ছি লোকটা উঠে গেল यार शिकायत थाना ही करिए हाँ की नाम छिले यार लुथरू मा लुथरू सोरेन लुथरू सोरेन कत बसर उमर हो यार अंदाज बोलते कुछ ना 45 45 45 40 से ऊपर ना हाँ ठीक और कम है तुम्हारा नाम की बाटू सोरेन तो रखियो तो तेरा के है उधर वो दादा उठे हैं या दादा उठे निजर हाँ निजर बड़ा पा ठीक। जमशेदपुर में फिर से कंटेनमेंट जोन बनाने की हुई शुरुआत। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप के पास नाले से बरामद किया गया एक युवक का शव। जमशेदपुर के कोरोना कोहराम ने 200 लोगों को लिया अपने कब्जे में। मिलते हैं अगले अंक में। बिग न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।